हेलो स्टूडेंट्स, अपना जो अभी टॉपिक डिस्कस हुआ था उसके बाद अपन बात करते हैं म्यूटेशन की। अपन सेक्स डिटरमिनेशन की जो शीट है वो लिंक पे डाल दी है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे जो फेसबुक पेज है बायोलॉजी ब्लास्ट वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप के जो ग्रुप है उसके अंदर आपको ये इसकी PDF मिल जाएगी। तो डिटरमिनेशन के जितने भी क्वेश्चन है वो आप याद रखिए और एग्जाम्पल याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं अपन म्यूटेशन, ठीक है। आपने स्पाइडरमैन मूवी देखी है ना सबने, स्पाइडरमैन और ये जो एवेंजर वाले जो हल्क है वो देखी होगी आपने, देखा होगा कि एक्सपेरिमेंट के अंदर एक सडन चेंज देखने को मिलता है। पीटर पार्कर जब लैब के अंदर जा रहा है और एक छोटी सी मकड़ी जो है उसके ऊपर आकर यहाँ उसको बाइट करती है, उसकी स्लाइवा जो है बॉडी में इंजेक्ट होगी, और जैसे ही रात को वो उठकर रात को सोया और सुबह उठा तो देखा तो स्पाइडर तैयार स्पाइडरमैन बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सडन चेंज आया, अचानक से चेंज आना, ठीक है। हालांकि वो एक इमेजिनरी मूवी है लेकिन अपन एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि वो एक सडन चेंज आया, ठीक है। तो अपन की जो बॉडी के अंदर जो म्यूटेशंस के एग्जांपल देखेंगे तो वो मोस्ट ऑफ बीमारियों वाले हैं। हम स्पाइडरमैन नहीं बन सकते, हल्क नहीं बन सकते, लेकिन हमारे अंदर ये बीमारी आ सकती है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, और एक पर्सन है कैलिफोर्निया का पर्सन है, तो उसमें ये था कि उसका जो एडिपोज टिश्यू है, मतलब समझ रहे हो ना ये वाला फैटी टिश्यू, इसके जीन जो है खत्म हो गए। तो इस टिश्यू को वो उठा करके, यानी यहां से अब एडिपोज टिश्यू काम क्या कर रहा है पहले बताओ, ये इस फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रख रहा है और इस शेप को बना के रख रहा है, लेकिन अगर वो है ही नहीं, मांझी नहीं है तो इस फ्लेक्सिबिलिटी को नहीं बना पाएगा। तब वो क्या करता है, अपनी स्किन को उठा करके ऐसे उठा करके दूर तक खींच लेता है, ये यहां से चिन को उठा करके यहाँ नाक तक रखता है, इस वाली को पकड़ के यहाँ खींच लेता है, ये गर्दन की चमड़ी जो है यहां से उठा करके और पीछे तक यहाँ नीचे ले आता है। अपन नहीं कर सकते, तो उसमें ये हालांकि ये रोग है, नुकसान नहीं है उसका, लेकिन ये सिम्टम्स उसके अंदर शो हो रहे हैं, ठीक है। कैंसर भी जो है सडन चेंज, अचानक से चेंज आ गया, कल परसों तक तो ठीक था, आज से कैंसर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सडन चेंज आना बीमारियों को जन्म देता है हमारे अंदर और उन्हें हम म्यूटेशन कहते हैं। तो सबसे पहले अपन डिफाइन देखते हैं कि म्यूटेशन सडन चेंज। अब चेंज किसमें आएगा, सडन चेंज तो आ रहा है लेकिन किसमें आएगा चेंज, ये चेंज आएगा डीएनए सीक्वेंस के अंदर, डीएनए सीक्वेंस के अंदर, क्रोमोसोम डीएनए स्ट्रक्चर उस पर प्रेजेंट जीन, अगर वहां पर क्विक सडन चेंज आना शुरू हो जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। और म्यूटेशन होने के बाद चेंज होता है क्या, जीनोटाइप और फीनोटाइप, यानी स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर का डीएनए सीक्वेंस चेंज हो गया, पहले वो ह्यूमन का था अब वो क्या हो गया, मिक्सअप किसके साथ, स्पाइडर के डीएनए के साथ में। इसका मतलब जीनोटाइप चेंज हुआ, फीनोटाइप बाहर के एक्सटर्नल करेक्टर, यानी अब वो वेब यानी जाल फेंक कर उड़ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें जीनोटाइप और फीनोटाइप दोनों चेंज हो गए, बात समझ आ गई म्यूटेशन क्या है। अब ये जो म्यूटेशन होता है ये सडन चेंज है, ठीक है। और ये सडन चेंज किस कारण होता है, जिनके कारण होता है उसे अपन क्या कहते हैं, म्यूटाजेंस। किस कारण होता है, तो ये कारण ही हो सकते हैं, पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है। अब वो किस में रहा है, डीएनए सीक्वेंस के अंदर, तो डीएनए सीक्वेंस में जो चेंज आते हैं वो किस तरह के चेंज आएंगे, फ्रेम शिफ्ट और पॉइंट म्यूटेशन। एग्जाम्पल समझिए, आप कहना हीमोग्लोबिन में सीक्वेंस याद कर लिए, सुनो वेल हीज ल्यू थ्रो प्रो ड्यू और ल्यू, ये सीक्वेंस है हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन सीक्वेंस के अंदर यहां ल्यू जो है ये रिमूव होकर इसकी जगह वेलिन आ जाता है, तो उसे अपन पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। जब हीमोग्लोबिन की सीक्वेंस वहां चेंज होगी उस कंडीशन में पॉइंट म्यूटेशन हुआ और बीमारी हो जाएगी सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। हम इसके बारे में भी थोड़ी देर पहले चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लास में, क्या सिकल सेल एनीमिया HbA1c
कंडीशन है, एच बी ए कंडीशन है तो नॉर्मल है, एच बी ए और एच बी एस कंडीशन है तो कैरियर, या फिर हम कह सकते हैं उसको हेट्रो कंडीशन, और एच बी एस और एच बी एस है तो वो लिथल कंडीशन है, लिथलिटी जिसमें डेथ को कॉज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट म्यूटेशन सडन चेंज आया, कहां पर चेंज आया, हीमोग्लोबिन की जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस के अंदर चेंज आया, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, डीएनए के स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूलर में, डीएनए वहां क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में मान लीजिए एक जीन यहां प्रेजेंट है ए बी सी और डी, ठीक है, फ्रेम शिफ्ट, तो डिलीशन अगर ये वाला यहां से डिलीट हो जाए तो बी का काम कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, अपना काम खुद करना होता है, अपना काम खुद करना होता है, कोई किसी का सहयोग नहीं करता है। तो यहां पर बी प्रेजेंट था, बी यहां से रिमूव हो गया, तो बी रिमूव होने के बाद इसका काम कोई नहीं करेगा, तो फिर क्या बनेगा, डिलीशन, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल, क्राई डू चैट सिंड्रोम, नाम सुना हुआ है, हम आगे डिस्कस भी करेंगे, क्राई डू चैट सिंड्रोम। फिफ्थ नंबर क्रोमोसोम की एक आर्म छोटी रह जाती है, तो वो छोटी रह गई आर्म उसका काम बड़ी वाली तो नहीं करेगी ना, ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में ये वाली आर्म छोटी रहेगी, मान लो ऐसे रहेगी और ये बड़ी है, सेम है जो, अगर ये वाली जो आर्म छोटी रही है इसका काम ये करेगी क्या, नहीं करेगी, तो इसका इफेक्ट किसमें देखने को मिलेगा, जिसमें ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अभी बच्चों में होता है, बच्ची कैसे, बिल्ली के बच्चे की तरह रोएगी, साउंड निकालते हैं, जब वो रोएंगे ना तो साउंड ये आएगा कि वो बिल्ली का बच्चा रो रहा है, समझ गए। तो ये अचानक से चेंज आना, तो डिलीशन, डुप्लीकेशन, अगर यहाँ बी प्रेजेंट है, किसी का एक डुप्लीकेट कॉपी बन गई, मान लो यहाँ पर बी ए वाला, तो ए बी तो काम कर रहा था, मान लो एक अंगूठे को जनरेट कर रहा है, एग्जाम्पल है, बी जनरेट नहीं कर रहा है ना, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, मान लीजिए ये बी का काम क्या था, एक अंगूठे को जनरेट करना, ठीक है, तब दूसरा आ गया, काम क्या हो गया, डबल हो गया, दो अंगूठे हो गए। अब बोलो किसी के दो कान हो जाए, गायब हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो चेंजेस आ रहे हैं वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन चेंजेस है, इनको क्रोमोसोमल एब्रेशन भी कहते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये म्यूटेशन में काउंट करते हैं, ये बॉडी के अंदर फायदा तो कम करेगी, नुकसान ही करेगी। एग्जाम्पल याद रखो, कैंसर कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही होता है उसमें, यूवी रेज अचानक से बॉडी में जीन को चेंज कर देती है, जो इनएक्टिव जीन उसको एक्टिव कर देती है, जिससे क्या होगा, नुकसान होगा, तो मेयो क्या है, म्यूटेशन। अब देखें कि म्यूटेशन दो तरह से पढ़ लिया, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट, लेकिन इसको कॉज करने वाले कौन है, म्यूटेजन्स है, बहुत सारे म्यूटेजन्स जो है वो इसे कॉज करते हैं और इन जीन्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे क्या है, म्यूटेशन हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर दो आपने पॉइंट याद रखने, एक फिजिकल और एक केमिकल, फिजिकल के अंदर यूवी रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा रेज और एक्स रेज, ये जितनी भी रे रेडिएशन है ये फिजिकल है जो अचानक से बॉडी में चेंज कर देते हैं, अपन कहते हैं कैंसर के लिए, तो कैंसर के लिए यूवी रेज मान लो, सही है, तो यूवी रेज एक्स रे करवा रहे हैं तो वो भी नुकसान है, ठीक है, हम ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, उसमें डायग्नोसिस के लिए जा रहे हैं, लेकिन नुकसान है। केमिकल मस्टर्ड गैस, फिनोल, फॉर्मेलिन, ये सारे के सारे जो है वो कैंसर को कॉज करते हैं और म्यूटेशन को कॉज करते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां जनरेट होती है। तो सिंपल सी चीज याद रखिए, म्यूटेशन क्या है, सडन चेंज है, किसमें है, डीएनए सीक्वेंस के अंदर, डीएनए सीक्वेंस में जो जीन प्रेजेंट है उनकी शिफ्टिंग हो सकती है, वो डुप्लीकेट बन सकते हैं या वो कहीं और इंसर्ट हो सकते हैं किसी अनदर क्रोमोसोम के अंदर, तो ऐसा करने पर वो कॉज करेंगे म्यूटेशन को, म्यूटेशन कॉज करने वाले म्यूटेजन्स, ठीक है, फटाफट नोट करें इसे और एग्जांपल्स को